अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वह माइंड मैजिक। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 जो है सिंपल इंग्लिश होती है, ये स्टार्टिंग इंग्लिश होती है आपकी बुक्स को, आगे इससे लेवल अप की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ये आपके लिए बेसिक इंग्लिश है। इसके एक जीडीपी आया है, ये ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता है। ये एक छोटा सा कोई क्वेश्चन होता है, ये आपसे पूछा जाता है कि इसके बारे में कोई भी एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसके बारे में पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, ये क्या गलत है, या इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें इस क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। अब इसमें ये जो है डेट है 6 मई और 8 मई तक इसकी एंडिंग डेट है। इसमें हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन टाइटल, वही जो आपको बताया है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है। क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन ये है कि ओपन हुआ है 6 से 8 तक के दरमियान है। उसके बाद राइट ऑन द व्यू ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक, योर कमेंट शुड नॉट, इसमें बताया है कि आपके जो है 250 वर्ड से आपका आंसर ना हो, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक फर्स्ट है, इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है अपनी फाइल में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, उधर से आपने डाउनलोड कर लेनी है। जो आंसर है वो एक यूनिक और शॉर्ट एस शॉर्ट से शॉर्ट लगा लें, वो वाला आंसर है इसमें। ये ऊपर एक क्वेश्चन है और नीचे क्वेश्चन है, इसका बताया हुआ है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुल, अच्छे से ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़नी है और अपना आंसर आपने डिस्क्राइब करना है। अब जो आंसर है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, बट मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ कि जो मैं आंसर आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आपने कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है। चेंजिंग वगैरह करके फिर आप अपलोड करेंगे, वरना अगर आप सेम एज इट इज अपलोड करेंगे तो आपके 0 मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। तो इसमें जो है आपने इसके वेटेज 2% इसके मार्क्स हैं, 100 में से 2% जीडीपी के मार्क्स हैं, और व्यू करना है, और इसके बाद कमेंट शुड बी क्लियर एंड कॉन्स्टेंट, आपका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए और शॉर्ट एंड क्लीन होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, और क्रिएटिव एंड ओरिजिनल आइडिया रिटन इन द करेक्ट इंग्लिश विल बी हाई। अभी से बताया कि आपका आइडिया जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कि एक यूनिक आंसर लगे। एनी क्यूरी रिलेटेड ग्रेडेड जीडीपी के बारे में कोई भी आपका जो है कोई क्यूरीज है तो वो आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर है, आपकी मिस है, उससे आप जीमेल देते हैं, उस पर आप जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हमारे पास ये आ जाता है फॉर द रिलेटेड ट्रीट वगैरह, आप ये ट्रीट खुद ही कर लीजिएगा। और इसमें मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ जो मेरे पास ये है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से एक करना है, डू यू एग्री और डिसएग्री, इसमें आप एग्री करते हैं या नहीं करते विद द स्टेटमेंट दैट टुडे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्रश द वेरी सेपरेट डे क्लेम इन द इनिटल, तो सपोर्ट योर क्लेम विद एग्रीमेंट। अब ये जो मॉडर्न एजुकेशन है इसमें आपका क्रश है, एग्री नॉट एग्री, इसके बारे में मैंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है, छोटा सा आंसर है। ये आप ट्रांसलेट करके, अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो आप इसी तरह देख सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुल इजी और जो है एक यूनिक आंसर है, ये बहुत रिसर्च के बाद आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद एंजल कार्टर सेड लैंग्वेज इज अ पावर लाइफ एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ कल्चर एंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ डोमिनेशन एंड लाइब्रेशन लाइब्रेशन फॉर योर ओपिनियन अबाउट दी अबव स्टेटमेंट विच लॉजिकल आर्गूमेंट, तो यही कुछ लिखा हुआ है। आपको ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड कर लेनी है। सेकेंड का आंसर भी मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आपने इधर से ही लिखना है या इसमें कुछ चेंजिंग या कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, उधर से आपने डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर मजीद आपको कोई जीडी भी चाहिए, पेड सर्विस भी चाहिए, तो आप मुझे आपके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। पेड क्विजेज मैं खुद तो प्रोवाइड नहीं करता, वन मेरे जो इंटेलिजेंस दोस्त हैं, पढ़ने वाले दोस्त हैं, वो ये काम करते हैं, उनके साथ मैं आपकी
आपका GDP क्विजेज उससे सॉल्व करवा सकता हूँ। वो पेड सर्विस देते हैं तो आप मुझे रابطہ कर सकते हैं। आपके 100% जो है क्विज में भी मार्क्स आएंगे, असाइनमेंट है, कोई GDP है। अगर कोई आपको GDP आता है, कोई असाइनमेंट आती है, तो आपने फौरन ही मुझसे जो है रابطہ करना है। मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं कि ये आज ही हमें असाइनमेंट आई है, ये आज ही हमें क्विज आया है, ये आज ही हमें GDP आया है, इसके बारे में एक वीडियो बना दें, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपके साथ तावन करूंगा। आपने भी मेरे साथ तावन करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों दूसरे दोस्तों के साथ भी एक यूनिक, एक अच्छी एजुकेशन शेयर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।